हेलो भाई लोग, तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आज मैं हूँ अमीर मतलब गरीब, और यहाँ पे मेरे एक ऑडी खड़ी है। मेरी नहीं है ये, मेरे पापा की है, जिससे वो काम पे जाते हैं। और यहाँ पे मैं आज इसको ही लेके जाऊंगा, पहले पापा को बुलाता हूँ। अरे यार, अरे पापा, अबे क्या है नालायक, सुबह सुबह अपना गला चीख रहा है। पापा मुझे आपकी गाड़ी चाहिए क्योंकि मुझे ना अपने कॉलेज में जाना है। अबे चुप करके अपनी साइकिल पे निकल जा। अरे ठीक है पापा, चला जाता हूँ। तो इसमें इतना भड़कने की क्या बात है? क्या है यार, घर वालों के ताने ही मिलते रहते हैं। अरे यार, अब साइकिल नहीं निकल रही है। अरे निकल जा निकल जा। अरे अब मैं पहुंच के ही मिलता हूँ आपको। तो यार मैंने यहाँ पे साइकिल को पार्क कर दिया है। ओ भाई साहब, यार देखो तो सही कितनी कितनी खतरनाक गाड़ी है। रेंज रोवर, थार, फॉर्च्यूनर, और यहाँ पे देखो भाई रेंज रोवर खड़ी है, कितनी करोड़ों की गाड़ी है। ए गरीब का बच्चा, यहाँ पे क्यों आया? निकल जा यहाँ से, वरना इतना चूत मारूंगा, इतना चूत मारूंगा ना, तू जान नहीं रखेगा। ब्लडी चीप पीपल्स को निकालो यार, यहाँ से कैसे आ जाते हैं? अरे यार चुप करके अपने कॉलेज को चला जाता हूँ। रात अब शाम को अपने घर जाऊंगा ना, तो पापा से कहूंगा कि मुझे भी एक रेंज रोवर दिला के जाएं। तो फाइनली यार मेरा कॉलेज खत्म हो गया और मैं अब घर को जाऊंगा और पापा को कहूंगा कि मुझे एक रेंज रोवर लेके दें, वरना मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। और चलते हैं अब। और मैंने जैसा कि आपको वीडियो में स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मेरा घर तो बहुत पास है। अरे यार क्या है यार, ऐसा लगता है जैसे सस्ते नशा कर लियो। जल्दी से पापा के पास जाता हूँ। अरे पापा मम्मी, अरे मुझे भी एक रेंज रोवर चाहिए। पापा मम्मी मुझे कुछ भी करके दो, मुझे एक रेंज रोवर चाहिए। अरे बेटा, तुझे तो पता ही है हमारी आर्थिक स्थिति कितनी गंभीर है, और हम तो अपने घर का राशन भी नहीं ठीक से ला पाते, और तू कह रहा रेंज रोवर दिलाएं। पापा यहाँ पे जो रेंज रोवर मतलब ऑडी खड़ी थी वो कहाँ पे गई है? अरे बेटा, राशन लाने के लिए पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए मैंने उस ऑडी कार को बेच दिया, और घर का मैंने सारे कीमती सामान। सॉरी मम्मी एंड पापा, मैंने आपके इतनी आपसे इतनी रूडली बात की, और तो और आपसे इतनी महंगी रेंज रोवर मांगी, इसलिए माफ कर दो मुझे। और भाई जब मैं यहाँ पे फ्रेश होके आता हूँ, तुझे मेरे फोन में क्या आ रहा है यार? हम बम्पर सेल, बम्पर सेल, ब्रेकिंग न्यूज। हमारे शहर में एक लड़की बेच रही हुई है अपनी एक थार, वो भी मात्र 1 रुपए में। उसने जो खुद स्वीकार किया है कि वो इस गाड़ी को बेच रही है। अरे यार 1 रुपए में थार मिल रही है, एक बवाल कार मिल रही है। तो जल्दी से फ्रेश होकर मैं वहाँ पे निकल जाता हूँ। और जैसा ही आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हो, मैं यहाँ उसके उस जगह के लिए निकल चुका हूँ। और भाई मेरी बात सुनो, अगर आपका भी सपना है ना थार या कोई कार लेने का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके सपने पूरे होंगे। और थोड़ी देर में मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो भाई, थार तो आ गई और यहाँ पे उनकी मालकिन मिल गई। तो अभी मैं रेट फिक्स करके आपसे मिलता हूँ 2 मिनट में। तो भाई बात तो मेरी हो चुकी है, और मैडम से मैं अब ये पूछूंगा कि आप इस कार को बेच क्यों रहे हैं। मैडम आप इस कार को बेच क्यों रहे हो? अरे बेटा, मैं तो अपने पति की कंधे में इच्छा पूरी कर रही हूँ कि उसकी उसकी अंतर इच्छा थी कि मैं इस कार को बेच के उसकी सिक्रेट को जितने पर मैं इस कार से जितनी भी पैसे मिलते हैं मैं उसकी सिक्रेट को दे दूँ, तो मैं इसलिए बेच रही हूँ। अच्छा, तो आप इसलिए बेच रहे हो, तो थैंक यू ये कार देने के लिए। मैंने आपको गूगल पे कर दिए 1 रुपये। तो ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ अब। और भाई देखो 1 रुपये में क्या एकदम ब्रांड न्यू थार मिल रही है यार। और भाई वो भाई कैसे अजीब से थे वो भी ना, कि मतलब उनकी ख्वाहिश ही कैसी थी यार। तो मैं आपको जल्दी से घर पहुंच कर मिलता हूँ, और यहाँ पे मैं निशार फाइनली अपने घर पे पहुंच जाता हूँ, और थार को मैं अच्छे से पार्क करके मिलता हूँ। थार, कार, पार्क, तो कितनी चीज़ें यार थार के राइमिंग वर्ड है। और थार को तो एकदम अच्छे से खड़ाऊंगा और इसको हर दिन धुआ करूंगा, क्योंकि भाई यार ये बहुत अच्छी है भाई। मुझे हमारे गरीबों के हत्या ये वाली इतनी अच्छी कार और थार लग गई है। तो यार मैंने अच्छे से यहाँ पे पार्क कर दिया और टायर को इधर को कर दिया, क्योंकि रोला जमाना है। तो अब मम्मी पापा को बुलाता हूँ। अरे मम्मी, अरे पापा। अबे क्यों भोंकने लगा हुआ है इतनी सुबह सुबह, और ये किसकी गाड़ी उठा लाया है? अरे देखो जी, तुम्हारा बेटा किसी की गाड़ी चुरा लाया।
मम्मी पापा ये कोई सपना नहीं है, मतलब नहीं मैंने चोरी नहीं की है इस गाड़ी की, ये गाड़ी तो 1 रुपए की मिल रही थी इसलिए मैं सेल से उठा लाया। ये देखो उसका मैसेज जो मैंने आपके फ़ोन में सेंड किया है, ठीक है, और ये गाड़ी को मैंने चुरा के नहीं लाया हूँ। चलो आओ अंदर जाके मिठाई खाते हैं और सुबह को देखेंगे इस गाड़ी को, ठीक है। और चलो आ जाओ मम्मी, हम मिठाई खाते हैं अपनी नई कार की आने की खुशी में। तो यार जब मैं सुबह उठ के देखा तो मम्मी पापा ये देखो, भाई साहब मम्मी पापा ये देखो कितना, ये गाड़ियाँ कहाँ से आ गई। अरे नलायक, वही तो हम तुझसे पूछ रहे हैं कि ये इतनी गाड़ियाँ कहाँ से आ गई, तू चोर डकैती तो नहीं करने लग गया है। अरे नहीं नहीं पापा, मैंने ये चोरी नहीं की है क्योंकि मैं तो पूरी रात आपके साथ ही था, चाहे तो मम्मी से पूछ लो ना। अरे मुझे तो लगता है ये पापा ये एक जादुई कार है, ये जो थार है ना वो एक जादुई कार लग रही है, तभी तो इसके इतनी कार आ गई। अभी इस जेडएक्स टर्नर को लेके जाता हूँ, मम्मी मैं स्कूल को जा रहा हूँ ठीक है, अभी इस जेडएक्स टर्नर को लेके मैं अपने स्कूल में जाऊँगा और मतलब दूसरों को सड़ाऊँगा जिन्होंने मुझे यार सड़ाया था ना। तो पहले आगे हम एक अच्छी से ड्रिफ्ट मार देते हैं और यहाँ पे पहले इसके इंजन की साउंड सुनाते हैं लोगों को। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो छपरी लौंडे आ चुके हैं और इनको सड़ाता हूँ यार। ए गरीब, तू ये ZX TNR कहाँ से लाया, ये गरीबों के लिए नहीं है अमीरों के लिए है। अरे ये ZX TNR भी मेरी और मेरे घर पे ऐसी छत्तीसगढ़ी में, और परे हो तुम ऐसे फटीचर लोगों से मैं नहीं बात करता। और तो और भाई आज वाली वीडियो के लिए इतना ही। तो यार अगर आपका भी कोई सपना है कि आपको ये वाली गाड़ी लेनी है, वो वाली गाड़ी लेनी है, कोई भी न्यू या थार कार जो भी बवाल लेना है ना आपको, तो यार चैनल को लाइक करके, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मैं मिलूंगा आपको एक ऐसी ही गजब सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।